फ्लफी मेदू वड़ा बनकर हो चुका है तैयार। बाहर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से एकदम सॉफ्ट मुलायम। इंटरनेट पर हजारों रेसिपीज होंगी मेदू वड़ा बनाने की, यकीन मानिए होटल और रेस्टोरेंट जैसी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे आप मेदू वड़ा फर्स्ट टाइम भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इजिली मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हो। दो तरीके भी बताऊंगी, जो भी आपको आसान लगे उस तरीके से आप मेदू वड़े को प्रिपेयर कर सकते हो। इसी के साथ आप लोगों को इंस्टेंट सांबर मिक्स की रेसिपी देने वाली हूँ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्टल में रहते हो, आपके पास टाइम नहीं होता, तो ट्राई कीजिए ये इंस्टेंट सांबर मिक्स। सिर्फ पानी और वेजिटेबल्स डाल के ये कुछ ही मिनट में बनकर तैयार होने वाला सांबर रेसिपी है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आप लोग मेरी मेहनत में रेसिपीज पसंद आती हो फ्रेंड्स, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप लोगों में से कितने लोगों को मेदू वड़ा पसंद है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप उड़द दाल, जिसको अच्छे से पानी से 4 से 5 दफा वॉश कर लिया था और अच्छे से इसको सोक कर लिया है 4 to 5 आवर्स के लिए। जैसे ही अच्छे से सोक हो चुकी है, देख सकते हो अच्छे से फूल भी चुकी है। इसको 4 से 5 घंटे सोक करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए जितनी भी उड़द दाल है इसको एक छन्नी में ऐड करके छान लेंगे। जितना भी एक्सेस वाटर है इस सारे वाटर को फर्स्ट हम स्ट्रेन आउट कर लेंगे। जब आप ग्राइंड करो तो मेदू वड़े में ज्यादा पानी ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से अच्छे से स्ट्रेन कर रही हूँ, ताकि एकदम हम जितना पानी कम रख के ग्राइंड करेंगे उतने ही मेदू वड़े क्रिस्पी और डिलीशियस बनकर तैयार होंगे, सॉगी नहीं होंगे। तो चलिए इसे इस तरीके से स्ट्रेन आउट होने देंगे 1 या 2 मिनट के लिए। यहाँ पर बढ़िया तरीके से उड़द दाल अच्छे से स्ट्रेन आउट हो चुकी है। अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन ग्राइंडिंग जार में ऐड करके ग्राइंड कर दूंगी, एकदम से सारा मिक्सचर नहीं ऐड करेंगे। तो चलिए मैंने यहाँ पर जार में ऐड कर दिया है 1/2 of the मिक्सचर उड़द दाल का। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसका थिक सा पेस्ट ही हमें बनाकर तैयार करना है। मेक श्योर कीजिए एकदम से पानी नहीं ऐड करेंगे, 1 या 2 टेबलस्पून उतना पानी ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। देख सकते हो आप यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको पीस लिया है, बहुत ही थिक मैंने इसका पेस्ट रखा है। इस प्रोसेस को करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको पेशेंसली इसको ग्राइंड करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कंप्लीट स्मूथ टेक्सचर नहीं है, हल्का सा दरदरा सा टेक्सचर है इसका। इसी टेक्सचर के साथ हमें रखना है हमारे मेदू वड़े के मिक्सचर को। बस हल्के से 2 to 3 टेबलस्पून उतना ही मैंने पानी को इसमें ऐड किया था। मैं यहाँ पर 2 बैचेस में इसको ग्राइंड कर रही हूँ, तो 1 बैच ग्राइंड कर लिया है, अनदर बैच भी इसी तरीके से ग्राइंड करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से मैंने सारे मेदू वड़े के लिए उड़द दाल के मिक्सचर को अच्छे से ग्राइंड कर लिया। कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लें। फर्स्ट मैं आपका ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। कुटी हुई काली मिर्च है 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी हरी मिर्च 1 या 2 हरी मिर्च आपके तीखेपन के अंदाजे से बारीक फाइन चॉप करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। इसी के साथ फाइन चॉप किया हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून उतना फाइन चॉप किया हुआ करी पत्ता और 1 टेबलस्पून उतना जीरा। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं यहाँ पर एक चीज ऐड कर दूंगी, जिससे हमारे मेदू वड़ा एकदम क्रिस्प बाहर से अंदर से एकदम मुलायम बनेंगे। 2 टेबलस्पून उतना चावल का आटा मैंने लिया है, इससे जितना भी हल्का सा मॉइस्चर इस उड़द दाल के मिक्सचर में होगा ये अच्छे से सोक कर लेगा। यहाँ पर हमें सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, इतना मिक्स करना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हल्का सा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए इसमें, हल्का सा हमारा बैटर फ्लफी हो जाए। इतना हमें मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है हाथों की हेल्प से, अच्छे से आप इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। देख सकते हो आप हल्के से बस इस तरीके से अच्छे से मिक्स देंगे, ताकि हल्का सा एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए इसमें, लाइट और फ्लफी हो जाए हमारा इस मेदू वड़े का मिक्सचर। तो चलिए आप देख सकते हो बढ़िया तरीके से मैंने फेंट लिया है, हल्का सा एरी हो चुका है हमारा मेदू वड़े का मिक्सचर। आपको पता कैसे चलेगा, तो मैंने यहाँ पर एक बाउल में थोड़ा सा पानी लिया है। जैसे ही हम छोटा सा बॉल इसमें डालेंगे, अगर ये फ्लोट करता है तो हमारा मेदू वड़े का मिक्सचर परफेक्ट है। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉल लिया है, अगर ये सेटल डाउन हो जाएगा तो मेदू वड़े में बहुत ज्यादा पानी है, एयर अच्छे से इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है। आप चेक कर सकते हो, मैं आपको क्लोजअप लुक भी बता दूं। देख सकते हो बढ़िया तरीके से ये पानी में फ्लोट हो रहा है, मतलब हमारा मेदू वड़े का मिक्सचर परफेक्ट है। तो चलिए इसे करते हैं साइड, तैयार कर लेंगे क्विक इंस्टेंट बनने वाला सांबर मिक्स, जिससे आपको घर बैठे झटपट जब भी आपको सांबर बनाना हो मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हो।
अगर आप हॉस्टल में रहते हो, आपको सांभर बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो इंस्टेंट रकम की सामने बनाना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम ना हो, एकदम रेस्टोरेंट जैसा, होटल जैसा आपको सांबर बनाकर तैयार करना है घर पर, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो इंस्टेंट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो इसको प्रिजर्व करके आराम से 6 मंथ्स के लिए इस सांबर के मिक्स को यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है पैन, घर की कटोरी या कोई भी चीज़ को आप एक सेट कर लें। सारे प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप तूर दाल, जो हम दाल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, सिंपल वो 1 कप तूर दाल है, उसको मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। इसमें हम तूर दाल को अच्छे से भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर, जब तक ये तूर दाल हल्के से फ्रैगमेंट ना हो जाए। इस प्रोसेस को तकरीबन 3 से 4 मिनट लग जाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर ही। तो चलिए 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मैंने तूर दाल को भून लिया है, बढ़िया सी फ्रैगमेंट हो चुकी है हमारी तूर दाल। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 10 से 12 करी लीव्स, लेमन साइज उतना टैमरिंड सूखा वाला, 3 टेबलस्पून उतना धनिया होल, इसी के साथ 2 टेबलस्पून उतना जीरा। घर के किसी जो चम्मच से हम खाना खाते हैं उस तरीके की चम्मच का यूज कर लीजिएगा, उससे मैंने जीरा और धनिया को मेजर कर लिया है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून उतनी चना दाल, उसी के साथ मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 7 से 8 सूखी वाली मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। फ्लेम को मैंने कम्प्लीटली लो मीडियम की तरफ ही रखा हुआ है। अच्छे से चलाते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर हम भूनेंगे। इसी के साथ ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून उतना नमक। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद अच्छे से हम लगातार चलाते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए हमें इन सारी चीज़ों को भूनना है, ताकि इसका हल्का सा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़िया तरीके से बढ़ जाएगी इस तरीके से भूनने से। आपको जब भी सांभर बनाना हो बस पानी ऐड किया और ऐड कर दीजिए हमारे सांभर इस प्रीमिक्स को, बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। ऐसी ही इजी ढेर सारी रेसिपीज ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की है। इसी तरीके से सोजी की उत्तपम वाली रेसिपी भी आपने ढेर सारा प्यार दिया था। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज और मेरी वीडियोस पसंद आती हो फ्रेंड्स, तो लाइक कर दिया करें। आगे आप लोगों को किस तरीके की रेसिपीज चाहिए, जो किट स्पेशल लंच बॉक्स रेसिपीज अगर आप देखना चाहते हो, तो कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ जरूर से शेयर कर सकते हो। चलिए यहाँ पर अच्छे से 2 मिनट्स के लिए ये सारी चीजें भी सॉटे हो चुके हैं। यहाँ पर फ्लेम को टर्न ऑफ कर दूंगी, अच्छे से इस मिक्सचर को कूल डाउन करिए। बढ़िया तरीके से हमारा सांबर मिक्स अच्छे से कूल डाउन हो चुका है। मैं इन सारे मिक्सचर को ग्राइंडिंग जार में ऐड करके हल्के से ग्राइंड कर लूंगी। यहाँ पर मैंने छोटा वाला जार लिया है। हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड कर लेंगे सारे मिक्सचर को। देख सकती हो बढ़िया तरीके से हमारा सांभर मिक्स यहाँ पर कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है। इसकी खुशबू सारे किचन में महक चुकी है, इतना ज़बरदस्त था हमारा प्रीमिक्स यहाँ पर सांभर का बनकर तैयार है। ऐसे सांभर प्रीमिक्स हमारा तैयार है, इसके लिए बनाकर तैयार कर लेंगे एक ज़बरदस्त सा तड़का। तो चलिए यहाँ पर मैंने पैन को फिर से प्री हीट कर लिया। इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून उतना ऑयल, इसी ऑयल में ऐड कर देंगे 1 टीस्पून उतना मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून उतना करी पत्ता और हल्के से थोड़ा सा हींग। इन सारी चीजों को हल्के से 30 सेकेंड के लिए सॉटे कर लेंगे, जब तक कि हल्के से चटक न जाए। जैसे ये हल्के से सॉटे हो जाए, इसमें ऐड कर देंगे हमारा सांभर प्रीमिक्स जो हमने तैयार किया है, उसको ऐड करके देंगे बढ़िया से अच्छा सा मिक्स। प्रीमिक्स को ऐड करने के बाद बस 1 मिनट के लिए इसे कुक करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर रखकर, ताकि ऑयल के साथ भी अच्छे से एक बार सारी चीजें कुक हो जाए। तो चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर 1 मिनट के लिए सारी चीजें सॉटे हो चुकी हैं। फ्लेम को टर्न ऑफ कर दूंगी, इसको कूल डाउन कर लेंगे। तो चलिए सारा मिक्सचर अच्छे से कूल डाउन हो चुका है, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से एयर टाइट कंटेनर जार में ऐड कर लिया है सारे मिक्सचर को। इसको लिड कवर करके आराम से आप 6 मंथ्स के लिए रेफ्रिजरेट करके, जब आपका दिल करे सांभर खाने का, सिर्फ पानी और वेजिटेबल्स ऐड कीजिए हमारा प्रीमिक्स और कीजिए एंजॉय। ऐसी ढेर सारी रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए देखें इसे बनाना कैसे है। तो यहाँ पर कुकर को हीट करके मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून उतना ऑयल ले लिया है। जैसे ही ऑयल हल्के से हीट अप हो जाए, मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी 1 लार्ज ऑनियन जिसको फाइन चॉप कर लिया है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, हल्के से ट्रांसलूसेंट कर लेंगे। अगर आपके पास सांबर वाले छोटे वाले ऑनियंस मिल जाए तो वो बढ़िया, उससे और टेस्ट बढ़िया आ जाएगा, उसको भी ऐड करके बना सकते हो हल्के से। जैसे ऑनियन सॉटे हो जाए,
यहाँ पर ऐड कर दूंगी 3 टमाटर मीडियम साइज के चॉप करके ऐड किया, इसी के साथ ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून उतना सॉल्ट ताकि हल्के से टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। चलिए बढ़िया तरीके से टमाटर यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। आप अपनी मनपसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर कैरेट, बीन्स और ड्रमस्टिक्स जो आती है वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ। आप अपनी मनपसंद जो भी वेजीज हो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। हल्का सा सॉटे कर लूंगी, फिर इसमें ऐड कर दूंगी 2 कप उतना पानी। आप अपनी कंसिस्टेंसी देखकर पानी को एडजस्ट कर सकते हो, क्वांटिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर इसी के साथ ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून उतना सांबर का प्रीमिक्स। इसकी कंसिस्टेंसी इतने पानी के लिए परफेक्ट है। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून बड़े जो हम खाने के लिए यूज करते हैं चम्मच, उस चम्मच से 2 टेबलस्पून उतना मैंने यहाँ पर प्रीमिक्स ऐड किया है सांबर का। लिड को कवर करूंगी और 1 विजल के लिए कुक कर लेंगे। बढ़िया से 2 मिनट्स में हमारा सांबर बनकर तैयार हो जाएगा। लीजिए बढ़िया से 2 मिनट्स में हमारा यहाँ पर सांबर बनकर तैयार है। बहुत ही डिलीशियस और यम, इसकी खुशबू सारे घर में महक रही है। आप चाहो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया को ऐड कर सकते हो। इसी के साथ बढ़िया सा हमारा सांबर बनकर तैयार है। तो चलिए मेदू वड़ा फ्राई कर लें। चलिए बढ़िया तरीके से मैंने कढ़ाई में ऑयल को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से हीट कर लिया है। जैसे ही ऑयल अच्छा सा हीट हो जाए फ्लेम को मीडियम पर रख रही सारा प्रोसेस हम करेंगे। यहाँ पर हाथों को अच्छा से गीला कर लिया है। लेमन साइज उतना मेदू वड़े का मिक्सचर हाथों में लूंगी। हल्के से जैसे हम लेमन को रोल नहीं करते उस तरीके से रोल कर लेंगे और एक फिंगर को हल्के से डिप कीजिएगा पानी में और सेंटर में इस तरीके से होल बना लीजिए जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आपको इस तरीके से ना हो तो किसी या पेंसिल या पेन का यूज कर सकते हो। सेंटर में हल्के से इस तरीके से सर्कल कर लीजिएगा, फिर धीरे से आप इसको लिफ्ट कर सकते हो। यही एक तरीका हो गया। इस तरीके से इजीली आप वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हो। अनदर सुपर इजी ट्रिक जिस तरीके से आप मेदू वड़ा बनाकर तैयार कर सकते हो वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूंगी। तो चलिए दूसरे तरीके में मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ चिमटा जिससे हम रोटी को पलटते हैं। उस पर हल्के से थोड़ा सा 1 टीस्पून से भी कम उतना ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। फिर लेमन साइज उतना बॉल लेंगे और उस पर प्लेस कर देंगे। क्योंकि हमने ऑयल अप्लाई किया है तो स्टिक नहीं होगा, इजीली हल्के से रोल करके ऐड कर दीजिएगा। हाथों की हेल्प से सेंटर में हल्के से होल प्रेस देके होल कर दीजिए और धीरे से इसे ऑयल में पलट दीजिए। सुपर इजी तरीके से आपके मेदू वड़ा परफेक्टली बनकर तैयार होंगे। चलिए सेम तरीके से आप लोगों के साथ 1 मोर मेदू वड़ा किस तरीके से इस तरीके से बना सकते हो वो भी शेयर कर दूंगी। अगर आप इस तरीके से भी कंफर्टेबल ना हो किसी कटोरी या चम्मच जो बड़ा सा होता है राउंड वो ले लीजिए, उस पर भी ऑयल अप्लाई कीजिए। सेम तरीके से आप उसे भी बनाकर तैयार कर सकते हो। 2 से 3 तरीके मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए ये है। प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें जिसको भी मेदू वड़ा खाना पसंद हो। चलिए भाई परफेक्ट से मेदू वड़े यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं मीडियम फ्लेम पर ही। जब तक हल्की सी लाइट सा गोल्डन कलर नीचे से ना आ जाए इसे फ्लिप नहीं करेंगे। 1 या 2 मिनट दे दीजिए। जैसे ही ये अच्छे से कुक हो ऊपर की तरफ ऑयल में फ्लोट करना स्टार्ट करेंगे। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया सुनहरा सा गोल्डन कलर आ चुका है। मैं यहाँ पर धीरे धीरे से फ्लिप कर लूंगी। इजिली ये फ्लिप हो जाएंगे जिस तरीके से मेथड से मैंने बताया उस मेथड को फॉलो कीजिए। पानी कम से कम यूज कीजिए, राइस फ्लोर ऐड करेंगे। बढ़िया से क्रिस्पी आपका आउटर लेयर रहेगा, अंदर एकदम सॉफ्ट रहेंगे। देख सकते हो बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं। अनदर 4 to 5 मिनट्स के लिए इसी तरीके से उलटते पुलटते लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। चलिए बढ़िया तरीके से यहाँ पर हमारे मेदू वड़ा अच्छे से लाइट सा गोल्डन कलर आ चुका है। एंड सारे मेदू वड़े को प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। सर्व करिए बढ़िया सी चटनी और सांबर के साथ और कीजिए एंजॉय। लीजिए भी बढ़िया से गर्मा गर्म मेदू वड़े बनकर हो चुके हैं तैयार। यहाँ पर इंस्टेंट सांबर के साथ कीजिए एंजॉय। चटनी की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। कोकोनट डोसा बनता कैसे है उसकी रेसिपी भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उसमें मैंने चटनी की रेसिपी शेयर की है, जाइए वहां से वॉच कीजिए। ढेर सारी ऐसी इंस्टेंट डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपीज मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड की है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज मेरी मेहनत पसंद आती हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स और फीडबैक्स मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और किस तरीके की रेसिपीज आप देखना चाहते हो मेरे चैनल पर जरूर से कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज प्लीज इसे 200 लाइक्स जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।